स्विफ्ट वीपीएन ऐप क्या है, कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है एंड आपको टाइप करना है स्विफ्ट वीपीएन ऐप। कुछ इस तरह का आपको इसका आइकन देखने के लिए मिल जाता है। इस आइकन को पहचान कर आप इजीली इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी रेटिंग की बात कर लेते हैं। 3.8 स्टार इसकी रेटिंग है। 6K प्लस बंदों ने इसे रिव्यू किया है। 3 स्टार प्लस की रेटिंग में इसे रखा गया है एंड 10 मिलियन प्लस बंदे इसे रिसेंटली इंस्टॉल कर चुके हैं। दोस्तों, एक वीपीएन सर्वर ऐप है। इसे यूज़ करने के बाद आप अपने मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गेमिंग से रिलेटेड कुछ काम या वर्क करते हैं वीपीएन सर्वर से रिलेटेड, तो वो इजीली यहाँ पर आप कर पाएंगे। सिंपली इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर स्विफ्ट की ब्रांडिंग आ जाती है एंड स्विफ्ट वीपीएन ऐप आपको लिखा हुआ दिख जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐड आ चुका है। इस ऐड को ऊपर नीचे से आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसका मेन इंटरफेस एंड होम पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट पॉपअप आ चुका है। ऑटोमेटिक ओके करते ही ऑटोमेटिक किसी एक सर्वर से जाकर कनेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसे मैनुअल तरीके से किसी एक सर्वर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ आपको 4 डॉट देखने के लिए मिल रहा है एंड उसके साइड में आपको यहाँ पर सर्वर्स देखने के लिए मिल रहा है, तो उस पर आप टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनके MS देखकर। सिंपली यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। ओके होने के बाद यहाँ पर ये कनेक्टिंग होने लगा है। आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड आप जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐड आ चुका है। इस ऐड को आपको ऊपर से क्लोज कर देना है। यहाँ पर मैं स्किप वीडियो कर देता हूँ एंड यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 घंटे के लिए ये हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसे अनलिमिटेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस शो होंगी, वो देखनी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट आ चुका है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है ऊपर की तरफ। एंड यहाँ से मैं स्लाइड डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको VPN शो हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड, वो भी आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में इस एप्लीकेशन को सिर्फ यूज़ करना सिखाया, ना कि मैंने इस ऐप को प्रमोट किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।